नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। तो देखो बच्चों, उन्होंने पूछा कि कोई भी दो ऑड नंबर लेने से उसका सम कैसा आएगा। देखो ऑड नंबर 3 और 5, ये दो ऑड नंबर है, इनको प्लस करो, 3 प्लस 5 होता है 8। अच्छा एक और ऑड नंबर ले लो, मान लो 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10। एक और सेट लेकर देखो, 11 प्लस 5, 11 और 5 हो गया 16। एक और लेकर देखो, 3 प्लस 13, 13 प्लस 3 कितना होता है 16। तो देखो ये ऑड नंबर लिए, ये ऑड नंबर लिए, इनका सम कैसा आया 8। 8 होता है इवन, 11 और 5 दोनों ऑड हैं, लेकिन इनको प्लस किया तो उत्तर आया 16। ये कैसा है इवन। 1 में 9 प्लस किया 10, 10 कैसा नंबर है इवन नंबर। 3 में 13 प्लस किया 16, 16 कैसा नंबर है इवन, क्योंकि ये सारे 2 के टेबल में आ जाते हैं, 8 भी 16 भी 10 भी 16 भी, है ना। इसका मतलब व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, तो आप लिख दो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। ठीक है, यहां पे एक शब्द हमसे छूट गया है, एनी। कोई भी आप दो ऑड नंबर लोगे तो देखना हमेशा उसका जो उत्तर है वो इवन आएगा। अच्छा अगला भाग बी भाग है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अब हमने देखना दो इवन नंबर्स को प्लस करें तो क्या होगा। देखो एक इवन नंबर है 2 और 4, इनको प्लस करो, 2 और 4 किया 6। अच्छा 6 में 8 प्लस कर दो, 6 प्लस 8 होता है 14। कोई और दो नंबर लेकर देखो, इवन नंबर लेना है हमने, 10 में प्लस किया 14, 10 में 14 प्लस कर दो तो ये आ गया 24। और ऐसे ही कोई और इवन नंबर लेकर देखो, क्या लूं बेटो, 6 प्लस 12 ले लेते हैं, 6 प्लस 12 होता है 18। अब देखो ये दो इवन थे, 4 प्लस 2 6, 6 भी इवन है, 10 प्लस 14 24, ये इवन थे ये भी इवन है, 6 प्लस 8 14, 14 भी इवन है, 6 प्लस 12 18, 18 भी इवन है। इसका मतलब दो इवन नंबर्स को प्लस करने से हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज, दो इवन नंबर्स को प्लस करने से क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास एक्स क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.2 का। बहुत आसान था, हमने ऑड नंबर्स के लिए ऑड नंबर लेके प्लस करके देखा, इवन नंबर के लिए इवन नंबर प्लस करके देखा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। थैंक यू।